साफ सफाई कर रहे हैं ऊपर से पूरा। ये झाड़नी और लेके आना है इंदिरा, ऐसे ही साफ वाला है ये ऐसे डस्ट वस्ट के लिए और एक किचन के ट्राली के लिए रखना है। आज पूरा इंदिरा मेरी साफ करते रही है। ये पत्रिका है, इसको खोल के भी नहीं देखी हूँ मैं। कर दिया, आज जल्दी आ गई इंदिरा। आज इंदिरा जल्दी आ गई, आज कैसे जल्दी आई? आज सदब के यहाँ पे नहीं थे करके, है ना? नहीं तो देर से ही आती। आज ना तू यहाँ का ये निकाल लेना ना थोड़ा, ये जो है ना, ये देख इंदिरा मेरा हाथ ये है ना तो नहीं आता ये थोड़ा सा। हाँ बाहर घसना बेटा, कितनी से बर्तन घर लेके जाऊं और ये जगह भराऊं। आज पिंक ड्रेस पहनाई हूँ मैं भगवान को। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं पूजा करके उठी हूँ। पता नहीं इतना टाइम हो जाता है, पता नहीं कैसे इतना टाइम, अभी बज गए 1:15 मेरे को। अभी मैं पूजा करके उठी हूँ, मुझे बाहर काम से भी जाना है, परंतु वही इतना टाइम हो जाता है। कितना भी जल्दी जल्दी सोचती हूँ, आज तो इंदिरा भी जल्दी आकर के चिकर के चली गई, फिर भी पता नहीं क्यों इतना टाइम हो जाता मुझे। पता नहीं और लोग कैसे इतना जल्दी काम हो जाता है वो लोगों का और फ्री हो जाते हैं, मैं तो हो ही नहीं पाती हूँ। पहल टावेल वो बाल आज मैंने, चलिए फिर अभी मैं चाय वगैरह पी के फिर बाहर जाऊंगी। फिर अभी पूजा करने के बाद फिर स्वाति से बात हुई मेरी, तो स्वाति बोली अभी चलो भाभी करके, तो फिर मैं चाय वगैरह भी नहीं पी, तुरंत स्वाति के यहाँ पे आ गई। अभी स्वाति और मैं जरूरी काम से बाहर जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रास्ते
तो फोन में बात कर रही है। जस्ट अभी आई, बहुत थक गई बाबा। जस्ट अभी मैं बाहर से आई, अभी मैंने चाय बनाया। चाय पे नहीं, चाय के साथ ये खा रही। वन अभी मैं मिल रही हूँ सीधी रात को, अभी बज गए हैं 10:30। ये देखिए अभी बज गए 10:30, अभी बज गए 10:30। आज बाहर के काम इतने ज़्यादा थे, आज इतनी थकान आ गई मुझे, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होने लगी। फिर घर में आई मैं 1:30 वगैरह, उसके बाद इतनी थकान लग रही थी, बिल्कुल खाना बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, सिर्फ चाय वगैरह बनाई। उसके बाद मैं नेहा को बोली कि नेहा तू एक काम कर, मेरे लिए एक डोसा भिजवा दे करके, साउथ, यहाँ पर साउथ किचन करके है, वहाँ का बहुत अच्छा लगता है। मुझे वैसे आज इच्छा भी हो रही थी। स्वाति को भी बोली कि चल स्वाति चलते वहीं पे डोसा खा लेंगे करके, तो स्वाति बोली कि अब फिर कभी जाएंगे भाभी। उसको भी घर में काम था, खाना वगैरह उसका बन चुका था, तो फिर मैंने पार्सल ही बुलवा ली हूँ घर। कभी कभी बहुत थकान हो जाती, कुछ इच्छा ही नहीं होती फिर बनाने के। बच्चे बोलते कि मम्मी कभी इच्छा नहीं होती तो आप बताया करो, हम भिजवा दिया करेंगे। तो फिर आज मैंने नेहा को बोला डोसा भिजवा दे। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो 3 दिन का मिक्स वीडियो है, क्योंकि मैं कल रात को वीडियो एंड करना ही भूल गई। अब आज मैं नया वीडियो अभी से शुरुआत करूँगी। तो ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।